लिकोसाइटी। फाइब्रोब्लास्ट इम्यून इंटरफेरॉन। ठीक है जी, इंटरफेरॉन का प्रकार, इंटरफेरॉन का प्रकार, इंटरफेरॉन क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है जो किसी एक विशिष्ट वायरस के खिलाफ बनती है। जब वही वायरस भविष्य में प्रविष्ट करती है तो कोई रोग नहीं होता है। ये तीन प्रकार का है, एक है अल्फा इंटरफेरॉन, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। अल्फा बीटा गामा इंटरफेरॉन, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइटिक, मतलब डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइटिक। यह है फाइब्रोब्लास्ट और तीसरा है इम्यून इंटरफेरॉन। ठीक है, इसका तीन प्रकार देखते हैं। पहला है ल्यूकोसाइटिक, दूसरा है फाइब्रोब्लास्टिक और तीसरा है इम्यून इंटरफेरॉन। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइटिक मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, मतलब इस इंटरफेरॉन को हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? डब्ल्यूबीसी से प्राप्त कर सकते हैं। इस इंटरफेरॉन को हम लोग कल्चर मीडिया में, इस इंटरफेरॉन को हम लोग कल्चर मीडिया में आरएनए द्वारा प्रेरित करके प्राप्त कर सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन को हम लोग कल्चर मीडिया में आरएनए द्वारा प्रेरित करके प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स से प्राप्त कर सकते हैं। इसको कल्चर मीडिया में आरएनए, एक कल्चर मीडिया ले लेते हैं, कल्चर मीडिया में आरएनए द्वारा प्रेरित करते हैं, तब ये फाइब्रोब्लास्ट नामक इंटरफेरॉन की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है इम्यून इंटरफेरॉन। इम्यून से मतलब होता है रेसिस्टेंस पावर, हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी होती है। इसका मतलब यह होता है जैसे हमारे शरीर में एंटीजन प्रविष्ट किया तो इस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में एंटीजन प्रविष्ट कर रहा है तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी का निर्माण करता है हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर बी सेल्स या फिर टी सेल्स, इससे संबंध है। मतलब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रविष्ट करेगा तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट से बनाता है। लिम्फोसाइट दो सेल्स में बटा होता है, एक होता है बी सेल्स और एक होता है टी सेल्स। हालांकि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? बी सेल्स करता है, लेकिन बी सेल्स को प्रेरित कौन करता है? हेल्पर टी सेल्स करता है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं हमारे शरीर में एंटीजन प्रविष्ट करती है तब इस इंटरफेरॉन को हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? लिम्फोसाइट्स से या फिर बी सेंसर टी सेंसर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या है? इम्यून इंटरफेरॉन, मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी को क्या करती है? इंटरफेरॉन बढ़ाने का कार्य करती है। इन तीनों में, इन दोनों की अपेक्षा ये बहुत ही पावरफुल इंटरफेरॉन है। इन तीनों में सबसे पावरफुल इंटरफेरॉन ये है क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को क्या करती है? ये बढ़ाती है। ये आजकल इस पर और रिसर्च चल रहा है, आजकल इस पर और रिसर्च चल रहा है। ये बताया जाता है आगे चलकर इंटरफेरॉन, ये कहना चाहिए आगे चलकर कैंसर को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि कैंसर भी किससे होता है? वायरस से होता है। वैज्ञानिकों का मानना है आगे चलकर इंटरफेरॉन किसको रोक सकता है? कैंसर को भी रोक सकता है। क्लियर। उसके बाद केवल औषधि उद्योग के अंतर्गत केवल दो बचा हुआ है, एक है वैक्सीन और एक है कार्बनिक अम्ल। इसका अध्ययन हम लोग एक मिनट बाद अध्ययन करते हैं। ठीक है जी।